ना पसीने छूट रहे हैं। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों। अभी देखते हैं और क्या क्या होने वाला है मेरे साथ, तो बने रहिए इस वीडियो में। हेलो हेलो जी, दोपहर के बज गए हैं 2 और हमने लंच में आज खा रहे हैं हम लोग पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा के फिर मैं रेडी हो जाऊंगी क्योंकि आज है मेरी फ़्लाइट, मैं इंडिया से जा रही हूँ US वापस। तो फटाफट से लंच करते हैं, रेडी होते हैं और मम्मी ने आरती भी कर दी है, हमारी कैब आने वाली है, पैसे वगैरह भी मिल गए हैं, तिलक भी हो गया, बट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे मेरा छोटा बेटा और मेरी मम्मी। रो रो के बुरा हाल कर दिया था मेरे छोटे वाले ने और मम्मी ने, बड़ी मुश्किल से इनको चुप कराया, हमारी कैब आ गई, हम लोगों ने सामान रखा और फिर हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। तो एयरपोर्ट का जो रास्ता है मेरे घर से 1.5 घंटे का है, इसलिए हम लोग थोड़ा टाइम से पहले ही पहुंच गए थे। एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से मेरी फ़्लाइट है तो हम वहां पहुंच गए हैं, सामान वगैरह हमने सारा उतार दिया है और हम लोगों को बाय करने देख लीजिए कितने सारे लोग आए हैं। कुछ लोग रह गए थे, उन्होंने फ़ोन पे ही हमें बाय कर दिया और फिर हम लोग लग गए लाइन में। और लाइन में लगने के बाद हमने अपने पासपोर्ट वगैरह दिखाए, हम अंदर एंटर कर चुके हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज जा रही हूँ दिल्ली से US वापस और क्या क्या होने वाला है सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और अब जाके मुझे थोड़ी शांति मिली है, पहले इतनी गर्मी थी बाहर ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अभी हमारी जो बोर्डिंग पास है उसके लिए टाइम है, तो हम लोग यहाँ पर ना वेटिंग एरिया पीछे सारी सीटें भरी हुई हैं, तो इसलिए हम लोग ना यहीं पर साइड में खड़े हो गए हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं। 1:30 हमारा बोर्डिंग पास हमें मिल जाएंगे और सारे जो ये आप सामान देख रहे हैं ना, सब हम चेकिंग में डाल देंगे तो फिर फ्री हो जाएंगे। फिर आपसे मिलती हूँ, आराम से बात करती हूँ और कपड़े भी चेंज कर देती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। थोड़ा कंफर्टेबल कपड़े पहनती हूँ जो ईजी हो सफ़र के लिए। सो फाइनली मैं बैठ गई हूँ अभी और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और बस जैसे बोर्डिंग होगी, लगेज इतना ज़्यादा है ना, देखते कि मुझे ना पसीने छूट रहे हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है एयरपोर्ट पे, बहुत ही ज़्यादा। और अभी हमारा टाइम नहीं हुआ है, तो जैसे हमारा टाइम होगा वैसे हम लोग अपना बोर्डिंग करवा लेंगे, अपने लगेज जो है वो दे देंगे और फ्री हो जाएंगे और फिर फूड कोर्ट जाएंगे सबसे पहले खाना खाने, भूख लग रही बहुत तेज। तो मिलती हूँ आपसे। जेरी ये बैठा हुआ है, नहीं जोई ये बैठा हुआ है और जेरी पीछे बैठा हुआ है बोरा, तो अभी भी चैटिंग कर रहे हैं अपने फ्रेंड से। हम लोग लाइन में लग चुके हैं अभी, बस बोर्डिंग हो जाएगी हमारी अभी। 6 बैग है ना हमारे, चेक इन हमारा हो गया है, हमें बोर्डिंग पास मिल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने इमिग्रेशन के लिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में क्योंकि वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है। ऊपर फूड कोर्ट है और यहाँ पे बैठने का एरिया बनाया हुआ है। तो हम लोग आए थे लाउंज लेने बट बहुत लंबी लाइन है। चलो लिफ्ट दबाओ। फूड कोर्ट पहुँच गए हैं, अब भूख लग रही है तो देखते हैं हम लोग क्या खाते हैं, पहले बैठने की जगह ढूंढ लें, हम लोग बैठ के आराम से खाएंगे तसल्ली से, भूख लग रही है बहुत तेज़। तो जी हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, मैंने किया है दिल्ली स्ट्रीट से फूड और बच्चों ने डोमिनोज पिज़्ज़ा, उनको ये वाला ना बहुत पसंद है। कौन सा ये मैं आपको दिखाती हूँ, दिखाओ तो सही। इसको क्या कहते हैं, इंडियन तंदूरी पिज़्ज़ा। इंडियन तंदूरी पिज़्ज़ा कहते हैं इसको। तो जेरी ने भी सेम ही ऑर्डर किया है और चोकोलावा केक एंड 7-Up खा लो। तो जी मैंने क्या ऑर्डर किया था और मुझे क्या मिल गया, हमेशा मेरे साथ यही होता है जब मैं अभी जा रही हूँ और वापस करके आऊँगी और बोलूँगी कि मुझे कुछ और दीजिए, मैंने ये मेरा ऑर्डर नहीं है। केसर फलूदा और बहुत ही ज़्यादा ना टेम्पटिंग लग रहा है, देखिए। और मैं अभी इसे खाने वाली हूँ और खा के बताती हूँ कि कैसा है ये, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बस रुका नहीं जा रहा, मेरे मुँह में पानी आ रहा है, जल्दी से खा के बताती हूँ आपको। एक बाइट तो नहीं लेती, बहुत टेस्टी है। तो जी मैं अपनी केसर फलूदा आइसक्रीम इंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो चलिए जी खाना पीना हो चुका है, अब चलते हैं अपनी गेट की तरफ जो कि बहुत लास्ट में हमारा गेट है, जो है 26B। और बस वहाँ हम जैसे ही पहुँचे
तो देखा कि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। हम लोगों ने भी फटाफट लाइन में लग के अपना बोर्डिंग पास दिखाया और अब हम लोग जा रहे हैं प्लेन की तरफ। और भीड़ वगैरह बिल्कुल नहीं थी क्योंकि हम लोग सबसे लास्ट में थे। बट एक चीज़ बहुत अच्छी थी क्योंकि जो हमारी सीट थी वो थी बिजनेस क्लास के बैक में ही, तो इसलिए हमें ज़्यादा अंदर चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस बार की ना सीट्स काफ़ी अच्छी हैं और अच्छा लग रहा है, स्क्रीन भी चल रही है। ये देख लीजिए स्क्रीन चल रही है, काफ़ी स्पेस है। ये मैंने पैर रखी है यहाँ पे, आराम से हम लोग बैठे हुए हैं तीनों। बस उसकी स्क्रीन नहीं चल रही अभी भी, उसकी नहीं चल रही है। ये दो स्क्रीन चल रही है, बाकी इस तरीके से है। ऊपर हमने सामान रख दिया है, ये अभी बंद हो जाएगा। यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको ऐसे करेंगे तो ये टेबल खुल जाएगा, ये इस तरीके से। तो अच्छा है काफ़ी। और ये तुम ना एक ही लगा लेना, चाहे ना दोनों देख लेना। जो मेरी फ़्लाइट का एक्सपीरियंस था ना, बहुत ज़्यादा बुरा था एयर इंडिया का, बट इस बार की फ़्लाइट बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन है। और मेरी जो सीट है वो काफ़ी खुली है और काफ़ी स्पेस है, आराम से टांगे चला के हम लोग बैठ सकते हैं। और स्क्रीन भी चल रही है, एक स्क्रीन नहीं चल रही है अभी भी, बट दो स्क्रीन चल रही है तो इनफ है। और बच्चे सेटल हो चुके हैं और हॉट पॉकेट होगा। तो जी फर्स्ट स्नैक्स आ गया, वेज लिया है हमने और ये है पनीर रोल। और खाते बताती हूँ कैसा है। जेरी हमारा सो चुका है, वो देखिए ठीक ठाक है, इतना स्वाद नहीं है। और हमारा सेकंड मील भी आ चुका है और आपको दिखाती हूँ कि सेकंड मील में क्या है। ये क्या है, एक सांभर वड़ा है, पोहा है और ब्रेड है, बटर है, कर्ड है, मिल्क है, वाटर है। तो वेज काफ़ी अच्छा है। तो बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा देखते देखते मैं कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ अपनी, बहुत ही ज़्यादा यमी यमी कॉफ़ी है। और साथ में बच्चे अपना मूवी वगैरह देख रहे थे और इसी बीच हमने एक नैप ले ली छोटी सी और उसके बाद मॉर्निंग ड्रिंक आ गई है। मॉर्निंग ड्रिंक है ये, जूस जो भी आपको पीना है, पानी वाली। तो खाने से पहले आपको बता देती हूँ कि वेज मील में क्या है। दाल मखनी थी, राइस थे, पालक पनीर थी और स्वीट डिश में हमें केक दिया था और फ्रूट्स थे, पाइनएप्पल, बटर था, कर्ड था, वाटर था, एक ब्रेड दी थी। और खाके बताती हूँ कैसा है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है बट पालक पनीर इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था, ओके ओके था। और बस दाल मखनी और राइस ही हम लोगों ने खाए। तो खाते पीते पूरा टाइम कैसे बीत गया सफ़र पता ही नहीं चला। और हम लोग पहुंच गए हैं इंडिया से US, फॉर्म वगैरह भी हमने भर दिए थे और बस अभी प्लेन नीचे लैंड ही होने वाला है और हम लोग पहुंच गए हैं अमेरिका की धरती पे। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा ये वाला। तो अभी अभी मुझे पता चला कि हमें जो लगेज उठाना है अपना वो बेल्ट नंबर 7 से उठाना है और हम लोग 9 पे खड़े थे। तो फटाफट से हमने अपने लगेज लिए और हम ट्रॉली ले रहे हैं और ट्रॉली का जो प्राइस है वो है $6 और हमने 2 ट्रॉलीज ली हैं। और इंडिया में तो ट्रॉली फ्री में मिलती है बट यहाँ पे तो हमें पे करना पड़ा। तो फटाफट से लगेज रखते हैं और निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, तो फटाफट उनसे भी मिलते हैं। तो जी हम एडिसन में रुके हैं अभी, यहाँ पे हम कॉफ़ी वगैरह, लेमन केक वगैरह कुछ कुछ खाएंगे।
पापा से कहता हूँ फ्राइज भी खाएंगे और फिर उसके लिए उसके बाद घर के लिए निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा थक गए हूँ 15 घंटे फ्लाइट में बैठ बैठ के। तो बस ये रहे हमारे पति देव, पीछे हमारे बच्चे और सामान। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।